जाएंगे, 6 वो निकलेंगे फिर कल सुबह में, ठीक है, सुबह जो है घर पे। तो अभी ना फाइनली चलते हैं इधर ही, क्योंकि उधर थोड़ा सा अभी ना सही भी नहीं रहेगा और दूरी भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 55 किलोमीटर और बचा हुआ है पूर्णिया, अगर पूर्णिया जाते हैं डायरेक्ट तो। कोई बात नहीं, इग्नोर करना ये गाड़ी एंड ये गाड़ी, ये दोनों गाड़ी जा रहे हैं लेके ना, तो अभी फाइनली निकलते हैं जल्दी जल्दी पहले। तो चलते हैं, देखते हैं कितना देर में उनको कर पाते हैं या कुछ भी, बाकी पता नहीं भाई। इसी चक्कर में हम किसी दूसरे को नहीं लेते, मतलब एग्जैक्ट मेरे लोगों से लोकेशन से चलता है ना तो सही है, नहीं तो ऐसे नहीं लेके जाना, सही बिल्कुल भी नहीं है ऐसे ट्रिप में लेट होना। फुल करवा के निकलते हैं इसके बाद यहाँ से, फाइनली देखते हैं कितना का लगता है। और निकल गए हैं तो हम लोग अभी थोड़ा सा पीछे पीछे ही हैं, वो मेरा ना अभी GoPro पता नहीं वो ऑफ ही नहीं हो रहा था, तो पता नहीं क्या हुआ था, बट अभी फ़िलहाल रिजॉल्व किया मैंने, बैटरी खोला एंड देन फिक्स हो गया वो। तो आप लोग बताओ क्या कैसा लग रहा है आप लोग को ये वाला, और क्योंकि आगे दिखाऊंगा अब। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल, एंड अभी फिलहाल ना रेडी हो रहे हैं, थोड़ा सा ये ऐसे ही चाहेंगे, मतलब थोड़ा मोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं पहनेंगे, जा कहाँ रहे हैं वो बताते हैं पूर्णिया, एंड भाई भाई का शादी है, ठीक है, मामा का बेटा का ना शादी है तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो फाइनली दो गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से भाई, बहुत मज़ेदार ट्रिप होने वाला है। वैसे तो इससे पहले आप लोग राजगीर का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, बताना एंड मतलब अच्छे से बताना कि कैसा लगा आप लोग को, आप लोग भी जाके घूम सकते हो वहाँ पे। एंड कुल मिला के ना अभी रेडी वेडी होते हैं, मतलब क्योंकि ऑलमोस्ट लेट होने वाले हैं, टाइम हो गया है 3 बज गए हैं, तो यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं और आगे दो लोग को पिक करना है, मतलब दो गाड़ी रहेगा तो दो दो चार आदमी यहाँ से निकलेंगे। बाकी चलते हैं हम लोग ना सीधे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, उस पर बात करेंगे कि क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम तो यहाँ से प्लान है कि पहले रोसड़ा जाएंगे हम लोग, मतलब इधर रोड से रोसड़ा जाएंगे, रोसड़ा में एक लड़का है उससे पीछे एक और लड़का है, दो तो दोनों को लेना, और उधर रोसड़ा वाले रूट से ही बेगूसराय निकलना और वहाँ से फिर सीधे आगे कट लेना, ठीक है। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है एंड बताते हैं कुछ जानकारी वाला भी बात सब, कि कहाँ कहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे क्या जानकारी मिलता है वो भी बताएंगे आप लोग को आगे चल के, ठीक है। तो अभी ना निकलते हैं, तो फाइनली ना अभी सेटअप वेटअप तो रेडी कर दिया एंड भाई गाड़ी देखो, गाड़ी थोड़ा गंदा है बट कोई बात नहीं, इग्नोर करना ये गाड़ी एंड ये गाड़ी, ये दोनों गाड़ी जा रहा है लेके ना। तो अभी फाइनली निकलते हैं जल्दी जल्दी, पहले पहुंचते हैं उसको, दोनों को पिक करते हैं, उसके बाद बात करेंगे आप लोगों से, मतलब थोड़ा सा वीडियो शूट होगा थोड़ा मोड़ा, बाकी सब बात करेंगे बाद में। फाइनली आ गए हम लोग पसड़िया और यहाँ पे ना पहले फ्यूल टॉप अप करवाते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों गाड़ी का ना पूरा जीरो हो रखा है, अभी फ्यूल डलवाते हैं यहाँ पे और उसके बाद फ्यूल करवा के निकलते हैं उसके बाद यहाँ से। फाइनली देखते हैं कितना का लगता है, ऑलमोस्ट 1000 के आसपास होगा, 1000 के तो डलवा देते हैं पहले फ्यूल, उसके बाद फुल बढ़िया बढ़िया अभी डाले हैं नहीं लगा है। तो फाइनली ना अभी ट्रिप मीटर कर देते हैं जीरो, पूरा तेल फुल करवा दिया एंड यहाँ से पता चलेगा कि कितना किलोमीटर हम लोगों ने गाड़ी चला एंड तेल आया था 1050 का, मुझे दर्शन कराई की तरफ जाने का मन नहीं है, तो दूसरे रूट कहते हैं चलते हैं उसके साइड से, बाकी देखते हैं आगे बात करेंगे, क्योंकि आवाज़ अभी आपको अच्छा नहीं आ रहा है तो माइक लगाएंगे ना, उसके बाद बात करेंगे आपसे। तो बस फाइनली ना अभी आ गए हम लोग मुस्तफापुर, एंड अभी ना
कॉल करते हैं, देखते हैं कहाँ है वो, क्या कितने देर में आता है, तो फिर देखते हैं। अंकेशन भी अभी साइड पीछे रह गए हैं, तो वेट करते हैं यहीं पे। अगर देखते हैं वो आते हैं कितने देर में, या तो वो दक्षिण वाले रूट में निकल जाएंगे, क्या पता, अब वो कन्फर्म नहीं है। और कॉल किए थे बीच में, पता नहीं चला हमको, वैसे पूछते हैं, कॉल करते हैं उनको। एंड हम अभी निकलते हैं, मतलब कि उसको कॉल करके पूछते हैं, अगर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर लेट करेगा तो फिर हम निकल जाएंगे। फिर ऑलमोस्ट 4 बज गया है वहाँ, तो ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली ना ये ले रहे हैं, एंड क्या करें अभी ना, वेट करना पड़ेगा यहाँ थोड़ा सा। मतलब पहले बोल दिया था कि भेज दो, अब पता नहीं भाई, इसी चक्कर में हम किसी दूसरे को नहीं लेते हैं। मतलब एग्जैक्ट मेरे लोकेशन से चलता है ना तो सही है, नहीं तो ऐसे नहीं लेके जाना, सही बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ट्रिप में लेट होना समझ लो बहुत गड़बड़ बात है। तो फाइनली ना वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे हम, 15 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। अगर वो आएगा नहीं आएगा तो फिर हम निकल जाएंगे वापस। एंड ठीक है, इसको तब तक ख़त्म करते हैं, तब तक हो जाएगा 15 मिनट हमारा। तो गाइस फाइनली ना ये ले रहे हैं, एंड क्या करें अभी ना, वेट करना पड़ेगा यहाँ थोड़ा सा। मतलब पहले बोल दिया था कि भेज दो, अब पता नहीं भाई, इसी चक्कर में हम किसी दूसरे को नहीं लेते हैं। मतलब एग्जैक्ट मेरे लोकेशन से चलता है ना तो सही है, नहीं तो ऐसे नहीं लेके जाना, सही बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ट्रिप में लेट होना समझ लो बहुत गड़बड़ बात है। तो फाइनली ना वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे हम, 15 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। अगर वो आएगा नहीं आएगा तो फिर भी हम निकल जाएंगे वापस। एंड ठीक है, इसको तब तक ख़त्म करते हैं, तब तक हो जाएगा 15 मिनट हमारा। तो फाइनली गाइस ना अभी आ गया ये, एंड ऑलमोस्ट 4:15 हो गया, तो निकलते हैं हम लोग जल्दी से पहले, क्योंकि जैसे पहले लोग तो बहुत आगे निकल गए हैं ऑलमोस्ट। तो चलते हैं, देखते हैं कितना देर में उनको तो कर पाते हैं या कुछ भी। बाकी अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा लेट हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा हमारे हिसाब से। तो 6 बज जाएगा हम लोग को बेगूसराय जाते जाते, जैसा फील हो रहा है हमें, तो कोई बात नहीं है, चलते हैं एंड देखते हैं आगे चल के ना। वीडियो अच्छे खासे शूट करेंगे, एंड अच्छा खासा आप लोग को भी कंटेंट मिल जाएगा। बाकी और भी बात ये सब है ना कि भाई टाइम ज़्यादा लग गया यहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा। तो अभी ना पूछते हैं फ़ोन करके वो लोग है वहाँ पे, वो भी पूछ लेंगे अभी थोड़ा सा आगे चल के। ये बेगूसराय वाली रोड पे हम लोग तो आ गए हैं फाइनली, और वो शायद नहीं आया है। तो अभी ना वेट करते हैं थोड़ा सा, या कॉल करके कन्फर्म होते हैं कि वो कहाँ पे है, एंड उसके बाद फिर इधर से निकल लेंगे। वो आएगा तभी निकलेंगे, मतलब तो साथ में निकलेंगे यहाँ से। एंड जल्दी अपना बेगूसराय कवर करना है, क्योंकि टाइम 4:40 हो गया है। तो ठीक है, तो अभी ना थोड़ा सा रुकते हैं, उसको आने देते हैं, तब मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई फाइनली बात ये है ना कि वो कॉल पे कि वो आगे निकल चुका है, ठीक है। तो अभी ना चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। उसे बोल तो दिया रुकने के लिए, देखते हैं रुकता है या नहीं रुकता है, वो तो देखा जाएगा आगे। तो चलते हैं उसको पकड़ते हैं, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। बाकी आप लोग थोड़े इंजॉय करो थोड़ा सा, एंड अभी ना ज्यादा वीडियो इधर नहीं लूंगा, थोड़ा सा आगे एक आधी वीडियो लूंगा, और बेगूसराय के बाद से वीडियो अच्छे से आए, मतलब अच्छा, मतलब ज्यादा देर का वीडियो भी होगा ना, बहुत ज्यादा भी हो जाता है ना कभी कभी, 40 मिनट का वीडियो हो जाएगा तो फिर दिक्कत है ना उसमें। तो इसलिए ऐसे लेते चलूंगा, मतलब जो सही लगेगा उसको ले लूंगा, और आप लोग तो हो ही उसके बाद। बाकी चलो देखते हैं वो लोग कहाँ तक पहुँचाया, क्या किया है पता नहीं, अब रुक क्यों नहीं रहा है वो पता नहीं, अब किस एंगल से क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है वो तो नहीं पता मुझे। बाकी चलते हैं देखते हैं। एंड बाकी अच्छा है सब कुछ, रोड इधर का थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चौड़ाई कम है, हाईवे वाला बात फील नहीं है, क्योंकि हाईवे होता तो फिर भाई आधा एक घंटे में तो बेगूसराय निकल लेते हम लोग, लेकिन इधर से थोड़ा सा हो सकता है तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मुझे एक्सपेक्टेड है 6 बजे तक तो हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। अगर 6 बजे निकल जाते हैं तो फिर ठीक है, उधर से फिर खगड़िया जाने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ऊपर से मेरा वाला बाइक तो भाई
आधे घंटे में खींच दूंगा मैं अगर जाम नहीं मिला तो देखते हैं, चलते हैं आप लोग देखिए एंड नजारे का एंजॉय मतलब मजा लीजिए, बाकी बात करेंगे आगे चलते हैं, कुछ वैसा हुआ तो वो सब भी बताएंगे। एंड बेगूसराय आप लोग अगर कोई बेगूसराय से तो कमेंट करो बेगूसराय किस किस चीज के लिए फेमस है, तो हर एक चीज अच्छा और खराब दोनों का बता सकते हो कि क्या मतलब क्या होता है उधर वहाँ पे क्या है बेगूसराय, ठीक है तो चलते हैं अभी जी। सो गाइस फाइनली ना वो लोग मिल गए अभी फिलहाल में, अभी थोड़ा सा पीछे ही है, बाकी भाई रास्ता एकदम मस्त है, मतलब हाईवे पे जाने पे ना मतलब पेड़ पौधे तो हैं लेकिन वहाँ पे गाड़ियाँ थोड़ी सी ज्यादा मतलब ज्यादा है, यहाँ भी है ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन यहाँ का रास्ता देखने में ना एकदम मस्त है। बाकी ऑलमोस्ट हम लोग अभी ना विक्रम चौक कुछ लिखा हुआ था वो कन्फर्म नहीं है, यहाँ से ऑलमोस्ट देखते हैं कितना दूरी होगा। तो अभी फाइनली ना यहाँ पे कुछ खाना वाना खा रहे हैं, ठीक है अभी बेगूसराय पहुँचे थे कुछ देर पहले ना, अभी तो थोड़ा सा खाना खाते हैं ना समोसा का, ठीक है तो अभी फाइनली ना खाना वाना ख़त्म करते हैं एंड उसके बाद चलेंगे यहाँ से फिर से, यहाँ से ऑलमोस्ट 176 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो अभी मतलब शुरू हुई हुआ है अभी 65 किलोमीटर आए हैं ऑलमोस्ट बस। तो फाइनली गाइज ना निकलते हैं हम लोग बेगूसराय से एंड अभी नेक्स्ट स्टॉपेज ना बहुत आगे करेंगे क्योंकि अब कंटिन्यू जाना है क्योंकि भाई 6 बज गया है, ठीक है तो लेट वैसे ही हो गए हम लोग, तो जल्दी चाहेंगे कि जल्दी जाए और भाई रात में थोड़ा सा ड्राइव भी ख़राब होता है, वैसे थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होगा यहाँ पे थोड़ा दूर, बाकी यहाँ से निकलते हैं ना तब बात करते हैं आपसे एंड आप लोग इंजॉय करो और बताना ये वाला पोज अच्छा है मतलब ये जो लगाया है ना मैंने आगे वो सही है या फिर नहीं, पता ना आप लोग को कैसा लग रहा है। बाकी मज़ा तो आएगा अभी मतलब रात में जो गाड़ी चलाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा एंड वो लोग शायद आगे थोड़ा निकल चुके हैं बट कोई नहीं हम लोग थोड़ा लेट निकलेंगे, मतलब लेट क्या उनको तो तुरंत 2 मिनट में धर लेंगे वो बात तो है ही। Yeah, boy. By the way, टोपी सीधा कर लो टोपी बट इतना काला है लंड पता चलने का इसमें। तो फाइनली गाइस ना अभी हम लोग पहुंच गए हैं खगड़िया एंड यहां से निकल के ना मतलब टोटल जर्नी जो हमारा हो गया ना वो 100 किलोमीटर प्लस हो गया है 105 किलोमीटर एंड अब हम सब लोग सोच रहे हैं कि हम लोग आगे निकल जाएंगे, आगे रुकेंगे लगभग कम से कम 50 किलोमीटर और गाड़ी चलाने के बाद। वैसे तो केशव भैया लोग ना वो लोग तो आगे निकल गए हैं तो हम लोग अभी थोड़ा सा पीछे पीछे ही हैं, वो मेरा ना अभी GoPro पता नहीं वो ऑफ ही नहीं हो रहा था तो पता नहीं क्या हुआ था बट अभी फ़िलहाल रिजॉल्व किया मैंने, बैटरी खोला एंड देन फिक्स हो गया वो। तो आप लोग बताओ क्या कैसा लग रहा है आप लोग को ये वाला, और क्योंकि आगे दिखाऊंगा अभी कुछ आप लोग को अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट रात है तो मुझे ही देख लो और मैं भी उतना साफ साफ नहीं दिख रहा हूँ अभी फ़िलहाल में तो, लेकिन फिर भी मुझे देख लो। एंड खगड़िया के बाद ना जस्ट थोड़ा सा ही दूर आप लोग जाओगे ना तो मानसी आ जाता है एंड यहाँ पे ना भाई बहुत ज़बरदस्त मतलब मानसी खगड़िया और मानसी
दोनों स्टेशन पास पास में है और दोनों साइड जंक्शन है, रेलवे स्टेशन के जरिए फिर जाओगे तो फाइनली चलते हैं एंड देखते हैं कितना टाइम लगता है हम लोग को टोटली। तो वो लोग आगे निकल गए तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड चलाते हैं एंड उनको धरते हैं पहले, एंड उसके बाद चलते हैं। बाकी आप लोग को मैं तो नहीं दिख रहा हूँ साफ साफ, कोई नहीं, चलो थोड़ा सा इन्जॉय करो एंड अभी आगे जहाँ पर लाइट वाइट मिलेगा ना वहाँ उसको बोलूँगा फिर से कैमरा से फोटो वोटो लेने के लिए वीडियो वीडियो, एंड पहुँचते हैं देखते हैं कितने बजे तक पहुँच पाते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे तो गूगल 4 घंटा दिखा रहा था वहाँ पे बेगूसराय में, तो समझ लो 4 घंटा 4.5 घंटा में पहुँच ही जाएंगे क्योंकि रुकेंगे भी ना हम लोग। तो फाइनली गाइज ना अभी नौगछिया से ना ऑलमोस्ट हम लोग 15 से 20 किलोमीटर दूर होंगे, बाकी गाड़ी इधर लगा दिया अभी फिलहाल में ना भाई हालत ख़राब हो गया था तो अभी पेट्रोल भी डलवाना है इस गाड़ी में, मेरे गाड़ी में तो पेट्रोल ऑलमोस्ट है। बाकी आप लोग देखो गाड़ी कैसा लग रहा है एंड ये रहा जगह एंड ये रहा हाईवे, और भाई सिंगल लाइन हाईवे है ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन बाकी फिर भी हम लोग ना अभी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर कवर किए हैं मतलब बेगूसराय से यहाँ 100 किलोमीटर के लगभग में, तो कुल मिला के बताएं ना तो बाकी सब मज़ा आ रहा है। मतलब भाई गाड़ी चलाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब ज़्यादा स्पीड भी नहीं चला रहे हैं और थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं बस सब कुछ का, मतलब ऑलमोस्ट समझो ना 70-60 70-65 ऐसे ही चल रहा है गाड़ी एंड भाई सब कोई मज़े में मतलब कर रहा है। और ये सब देखो पता नहीं किधर जा रहा था अभी फिलहाल, ट्रक के नीचे जा रहा था। तो फाइनली ना करते हैं मतलब पेट्रोल डलवाते हैं थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद हम लोग निकलते हैं एंड टाइम हो गया देख लो 7:46, ठीक है तो ऑलमोस्ट 8 बजने वाला है और 6 बजे चले थे हम लोग तो ठीक ही है, मतलब जितनी स्पीड में चले ना उस स्पीड में एकदम सब कुछ सही है। तो चलते हैं अभी ना देख लेते हैं उसके बाद चलेंगे फिर पेट्रोल डलवाने के बाद, ठीक है कुछ देर रेस्ट करने के बाद। चलती और कहती है आप नहीं हो गए ना घूमिए जाए घर यहाँ चल जाए तो चलते हैं वहीं पे। ठीक फाइनली गाइस ना अभी उस गाड़ी में ना तेल फिल करवा रहे हैं एंड देखते हैं क्या क्या होता है, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। बहुत देर रुक गए हैं ऑलमोस्ट 20-25 मिनट रुक गए हैं यहाँ पे, तो अभी चलते हैं ना और सोच रहे हैं कि डायरेक्ट सोनू के घर पे जाएंगे। तो यहाँ से ना वही समझ लियो कि कितना हो जाएगा 65-65 किलोमीटर है, ठीक है तो चलते हैं वहीं पे। ठीक देख लो तेल डलवाने के बाद फिर जो होगा देखा जाएगा फिर फिलहाल में। तो गाइस फाइनली ना पहुंच गए हम लोग कुरसैला और हम लोगों ने डिसाइड किया है फिलहाल में कि डायरेक्ट अभी सूरज भैया के घर पे नहीं जाते हैं एंड पहले तो चलते हैं सोनू के यहाँ मीरगंज, क्योंकि कुरसैला से कट के ना हम लोग इधर साइड में जाएंगे और वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर और अंदर जाना है तो चले जाएंगे सोनू के यहाँ। कल सुबह ना हम सोनू ये चारों मतलब हम चारों एंड सोनू और दीपक भी आ रहा है अभी फाइनली ना, वो शायद निकल गया था समस्तीपुर से तो वो भी आ रहा है, तो चारों 5-6 हो जाएंगे 6 वो निकलेंगे फिर कल सुबह में, ठीक है फिर घर पे। तो अभी ना फाइनली चलते हैं इधर ही क्योंकि उधर थोड़ा सा अभी ना
सही भी नहीं रहेगा और दूरी भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 50 किलोमीटर और बचा हुआ है पूर्णिया, अगर पूर्णिया जाते हैं डायरेक्ट तो। वैसे पूर्णिया एक तरह से आ गए हैं जिला में, सॉरी अभी कटिहार जिला में शायद। तो फाइनली ना ये रहा है पुल, इस पुल को पार करेंगे और पहुँच जाएंगे कुर्साला। शायद ये जो नदी है ना, यहाँ पे जो बाढ़ आता है ना उसका मेन कारण यही नदी है शायद, मेरे हिसाब से है तो गंगा का ही कोई मतलब स्रोत, तो गंगा से ही निकल के कट के निकलती है कोई शायद, या तो गंडक होगी या कोसी होगी, दोनों में से कोई भी जो भी हो वही दोनों है। तो फुल कंफर्मेशन नहीं है मुझे अभी भी, ये मुझे देखना पड़ेगा फिर मैं बता सकता हूँ इसके बारे में। लेकिन आप लोग बताना अगर आप लोग इधर कुर्सैला या पूर्णिया से हो तो ये जो पुल है ना ये कौन से नदी पे बना हुआ है ये बताना, आप लोग कॉमेंट करना। बाकी भाई गाड़ी इतना मक्खन चल रही है ना, मतलब इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। आप लोग अगर अपने बाइक से लव करते हो ना तो भाई लिटरली मतलब फील आएगा आप लोग को बहुत ज़्यादा। बाकी रोड इधर का थोड़ा सा ख़राब जरूर है क्योंकि टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ तो फिर से बनाया गया है तो थोड़ा ख़राब है, बट कोई बात नहीं। तो अभी फाइनली ना आगे से थोड़ा सा मुड़ रहा है तो उसको बता दे रहा हूँ, नहीं तो वो आगे निकल जाएगा फ्लो में। तो देखता हूँ एंड यहाँ से देख लो पूर्णिया 49 किलोमीटर, ठीक है। तो भाई ट्रक बहुत ज़्यादा चलता है ना शायद इस रोड में, इसलिए बहुत ज़्यादा ही मतलब रोड टूटा हुआ है इधर का। बाकी अभी ना मुड़ते हैं एंड पहुँचते हैं हम लोग डायरेक्ट सोनू के यहाँ, उसके बाद बात करते हैं आप लोग को बताते हैं क्या कैसे है। यहाँ के पहले तो रेस्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कमर में दर्द होने लगा है, गाड़ी तो दो आदमी के लिए कंफर्टेबल नहीं फील होता है ना गाड़ी में, इस गाड़ी में। तो फाइनली तो चलते हैं बात करते हैं। तो गाइस फाइनली ना अभी आ गए हम लोग कुर्सैला एंड ये देख लो रोड दिख रहा होगा। फाइनली यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर और बचा हुआ है सोनू का घर, डायरेक्ट सोनू के घर से ही जाएंगे एंड उसके बाद कल सुबह जाएंगे जहाँ भी जाना होगा। अभी कुछ ले रहे हैं केशव भैया, उनका खुराक ले रहे हैं अपना। ये दोनों देख लो यार बेचारे ये। और फाइनली ये रही गाड़ी, भाई इतना मस्त परफॉर्मेंस किया ना, मतलब चुमेश्वरी बोल सकते हो इसको एकदम, भाई इतना जबरदस्त चला के भी आए हैं तक करके आए, बाकी एकदम मज़ा आ गया। एंड इधर देख लो पूरा ये सारा, अभी ना चलते हैं फिर चल ही जाते हैं क्योंकि रुकने से फ़ायदा नहीं है, फिर निकल ही जाएंगे ठीक है। तो फाइनली ना ये चेक करो गाइस कहाँ आ गए हम लोग, आ गए हम लोग ना मीरगंज फाइनली। एंड यहाँ से लगभग वही 2-2.5 किलोमीटर और अंदर है, मतलब यहाँ से टर्न ले लेंगे आगे से। तो भाई मज़ेदार रहा, मतलब अभी जो यहाँ आया हूँ ना लगभग 30 किलोमीटर एकदम 100-110 ऐसे भी चलाया हूँ अभी गाड़ी, 60-70 भी था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100-150 ही चलाया हूँ, 60-70 सब भी चला था, मतलब दोनों में चला है ठीक है। तो कुल मिला के बताऊँ ना तो भाई साहब फाइनली बहुत मज़ेदार, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा है राइड में। अब कुल मिला के बताऊँ तो जाके ना एकदम फुल्ली रेस्ट करूँगा क्योंकि भाई शादी में डांस भी करना है ना। तो अब आपको कौन मीरगंज से मेरा वीडियो देखते हो तो भाई कमेंट करना, एंड अगर मिलना हो तो कल सुबह मिल सकते हो सब कोई। वैसे अभी मैं स्टोरी डालूंगा ये चीज़ का, अगर किसी को मीरगंज में, बहुत सारे मेरे दोस्त वैसे हैं मतलब कुछ जान पहचान से, क्योंकि इधर भाई आना लाना तो लगा रहता है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो फाइनली ना देखते हैं कौन कल मिल पाता है या नहीं मिल पाता है वो देखते हैं। वैसे तो 2-4 है, अगर वो देख लेगा स्टोरी तो तुरंत मिल जाएगा। बाकी ये चेक करो ये रहा मीरगंज का चौक, एंड फाइनली यहाँ से हम लोग को सीधे टर्न ले लेना, एंड बस कुछ दूर और मतलब कुछ ही दूरी और बचा हुआ है, और ऑलमोस्ट गाड़ी अभी 332 किलोमीटर या 232 किलोमीटर चल चुका है, मतलब कि घर से 5-6 किलोमीटर मैंने जोड़ा भी नहीं था, मतलब वो उसके बाद रिसेट किया था जब पेट्रोल डलवाया था, तो वहाँ से 232 चल चुका है एंड ऑलमोस्ट तेल
एक पहला एक कुत्ते उड़ गया है, तो मतलब दूसरों में भी अभी ख़त्म हो जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन पहले अब पहुँचते हैं हम लोग एंड भाई मिलवाते हैं वहाँ पे जाके, एंड ये अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाकी ना भाई साहब पैर में दर्द होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि भाई बहुत दिन के बाद दो आदमी दो साथ में निकल रहा हो ना, बाइक पे एक रहता है सिंगल में तो कोई दिक्कत नहीं है, दो रहने पे थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो पहुँचते हैं उसके बाद बात करेंगे आपसे आराम से कुछ बातें, एंड उसके बाद कल मिलवाएंगे आप लोगों को फाइनली लड़के से जिसका शादी है। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक, तो फाइनली ना अभी ना पहुंच गए सोनू के घर पे, एंड ये देख सकते हो पीछे यहाँ तीन है ना, तो दो उसमें से साथ में आए हैं, एक के सब अंदर जा चुके हैं, एंड बाकी ना अभी ना भाई जाके आराम करते हैं सबसे पहले तो, एंड सारा गैजेट ना फिर से चार्ज में लगाते हैं। बाकी भाई साहब यहाँ के फीलिंग गुड, अच्छा आ रहा है, एंड गाड़ी इधर लगा दिया दोनों अंदर में, कोई बात नहीं। एंड भाई साहब कल फिर दिखाएंगे कल का, मतलब वो नेक्स्ट व्लॉग में आ जाएगा, तो यहाँ पे इस व्लॉग को ख़त्म कर देते हैं एंड मिलते हैं आप लोग को कल के वाले व्लॉग में, और कल फिर से मिलवाएंगे किसी से स्पेशल, जो इस बार मतलब जिनका समझ लो कि लाइफ, अरे सॉरी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, तो मिलते हैं आगे आप लोग से।